गर्मियों का सबसे बड़े फूलों में से एक आता है सनफ्लावर, जो बड़े बड़े साइज है। आज मैं इनका जो है बीज लगाने जा रही हूँ। लगाने के लिए जुगाड़ू कंटेनर जो है यूज किया है मैंने, और पॉटिंग मिक्स की बात करें तो ये सिर्फ कोकोपीट है, और एक मुट्ठी करीब जो है मैंने नॉर्मल गार्डन सोयल जो है मिला लिया है। हम चाहें तो सिर्फ कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, और या फिर सैंड लगा लीजिए, सैंड में भी जो है आप लगा सकते हैं। तो बस ऊपर की जो है सरफेस हमने बराबर रखना है, क्योंकि हमने बीज लगाना है। और ये जो वैरायटी है बिल्कुल बिग साइज के जो फूल आते हैं ना, जो रेगुलर सनफ्लावर होते हैं वो वाले हैं। वैसे सनफ्लावर में बहुत सारे जो है कलर भी आने लगे हैं ऑरेंज में, और इनके टोन भी जो है आने लगे हैं। तो ये देखिए, बस बीजों को काट लेंगे। आप चाहे तो क्या है, लगाने से पहले एक दिन जो है आप यानी कि रात को जो है बीजों को भिगो भी सकते हैं, जिससे जर्मिनेशन रेट जो है अच्छी मिलती है। लेकिन मैं जो है डायरेक्ट लगाने जा रही हूँ, और देखिए कितने अच्छे तरीके से पैक है इसमें अंदर से। एक और ये देखिए लिफाफा निकला है, और इसमें जो है बीज है। बीज देखते हैं कितना हेल्दी है। बीज तो देखिए हेल्दी दिख रहा है मुझे, लेकिन सारे के सारे हेल्दी नहीं दिख रहे हैं। देखिए थोड़े थोड़े बड़े हैं, कुछ बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं। तो मेरे ख्याल से जो बड़े होंगे वही जर्मिनेट हो पाएंगे। तो वो मैं आगे अपडेट भी जो है आपको दिखाऊंगी, कितने परसेंट जो है मेरे बीजों का जो है जर्मिनेशन रेट जो है आया हुआ है। तो बस बीज निकाल लिया, अब हम इनको लगा देते हैं फटाफट। वैसे बीज के साइज के बात करें तो बीज के साइज जो है मुझे बहुत छोटे लग रहे हैं। वैसे तो गैंट लिखा हुआ है इस पे, तो ये ब्लूमिंग के बाद ही पता चलेगा कि ये साइज कितने साइज में जो है आ रहा है। तो बस बीजों को कुछ इस तरीके से हम फैला देंगे। आप चाहे तो फंजीसाइड भी जो है मिला सकते हैं, लेकिन सनफ्लावर के बीज है काफी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। और मान लीजिए बीज जो है पास पास में गिर जाते हैं, तो उसको हाथों के द्वारा जो है आप थोड़ा थोड़ा जो है गैप पर रख दीजिए, और ऊपर से देखिए मिट्टी की लेयर चढ़ा देना है। कितना हम मिट्टी से ढकेंगे, जितना बीजों का साइज होगा ना उतना मिट्टी के अंदर जो है बीज दबने चाहिए। तो इसके हिसाब से जो है हल्का फुल्का जो है ऊपर मिट्टी की लेयर देखिए चढ़ानी है। इसके बाद जो है हम पानी दे देंगे। पानी देने का दो तरीका है, आप चाहे तो पहले इनको पानी दे दीजिए, उसके बाद बीज देने के बाद हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, या फिर बॉटम होल के थ्रू जो है आप पानी दे सकते हैं, यानी किसी टब में इस कंटेनर को रख देंगे तो नीचे से पानी जो है चला जाएगा। या फिर कुछ इस तरीके से पानी दीजिए जहाँ पे बीजों पे ज्यादा जो है थपेड़े ना पड़े। पानी हम बिल्कुल हल्के हाथों से देंगे, यानी कि पानी देने के बाद जो है कई बार क्या होता है बीज थोड़े बहुत जो है हिल जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो वो आप उंगली की हेल्प से जो है आप इनको अच्छे तरीके से जो है दबा दें नीचे की तरफ। तो ये देखिए कुछ बीज जो है ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब हम इनको रखें कहाँ, इसकी प्लेसमेंट कहाँ रखें, क्या हमें पूरा डे के सनलाइट में छोड़ देना चाहिए या फिर अंडर शेड रखना चाहिए। ये देखिए सनफ्लावर का जो है ये बीज है, इसको हम जो ओपन जो है सनलाइट में रख सकते हैं। अभी देखिए जब मैं लगा रही थी ये बीज, तब जो है इतनी अच्छी यानी कड़ी धूप नहीं थी, लेकिन अब देखिए अभी आज बात करें तो देखिए आज लास्ट वीक ऑफ मार्च है, तो अभी थोड़ी सी धूप जो है तीखी होने लगी है। और ये अपडेट है देखिए, तो काफी अच्छे से जो है जर्मिनेट हो गए हैं। कुछ को मैंने देखिए इसमें से आपको कम दिख रहा है, इसके लिए रीजन क्या है कि कुछ बीजों को जो है मैंने निकाल के, यानी कि जो पौध है उनको निकाल के मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया है, धीरे धीरे करके जो है मैंने कर लिए हैं। और इसमें देखिए दो किए हैं, कल की डेट में मैंने किए हैं। तो ये जो मैं ट्रांसप्लांट की थी तब 28 मार्च है। तो ये रहा अपडेट।